hello students welcome to this lecture on method of sections which is a crucial concept in strength of materials in this lecture we'll understand how internal forces can be analyzed in structures and members when subjected to external forces method of sections a body esper which uh, static equilibrium or osper kuchbaharibal f1 f2 f3 Fn and laguha figure 1.6 a भले ही बॉडी वास्तव में स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो उदाहरण के लिए यदि ये गति में है और एक एक्सेलरेशन है तो हम इसे विशेष क्षण के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं बशर्ते हम फिक्टिशियस इनर्शिया फोर्सेस, जिन्हें रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है को बाहरी बलों के रूप बॉडी के मैथ सेंटर से होते हुए दिए गए समय पर लागू करें इस प्रकार डायनेमिक समस्या को स्टैटिक समस्या में बदलने की विधि को डालमबर्ड्स प्रिंसिपल कहा जाता है स्पष्ट रूप से यदि बॉडी केवल ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है बल्कि रोटेशन भी हो रही है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए हमें रिवर्स इफेक्टिव कपल भी लागू करना होगा अब हम कल्पना हैं कि बॉडी में एक प्लेन एन है जो इसे दो हिस्सों आई और टू में विभाजित करता है हाइपोथेटिकल प्लेन उन इंटरक्शन फोर्सेस की लाइन्स को भी इंटरसेक्ट करना चाहिए जो दोनों भागों के इंटरफेस ए दोनों हिस्सों की साझा सतह पर स्थित मॉलिक्यूल्स के बीच होती है अगला कदम यह है कि हम कल्पना करें कि बॉडी के दोनों हिस्सों को अलग कर दिया गया है हम इंटरफेस के दोनों हिस्सों को ए और ए के रूप में विभाजित करते हैं जैसा कि फिग्स वन पॉइंट बी में दिखाया गया है चूंकि अब दोनों हिस्से कनेक्टेड नहीं है इसलिए ए वन द्वारा ए टू मॉलिक्यूल्स पर लागू बलों की प्रणाली को ए पर बलों की एक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक है जो कि का सेक्शन है। इसी तरह ए वन पर भी एक बलों की प्रणाली लागू होती जो part 1 है जो कि पार्ट वन का सेक्शन है एक्शन और रिएक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार ए वन पर बलों की प्रणाली ए टू पर बलों की प्रणाली के विपरीत अर्थात परिमाण में समान दिशा में विपरीत और समान लाइन ऑफ एक्शन वाली इस प्रकार ए वन या ए टू पर बलों की प्रणाली इंटरनल फोर्सेस का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि इन्हें सेक्शन से के मेथड से पार्ट वन या पार्ट टू के सापेक्ष एक्सटर्नल फोर्सेस में बदल दिया गया है हमारे मूल अनुमान आए आर्ट वन पॉइंट थ्री के अनुसार इंटरनल फोर्सेस सेक्शन की सतह पर लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सामान्यतः इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी जटिल होता है हालांकि उन्हें इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ताकि में है भी भी ए वन पर बलों की परिणामी किसी भी बिंदु ओ पर एक बल एफ आर और एक कपल एम आर में घटाया जा सकता है फिर ए ट्यू पर बलों का परिणामी माइनस एफ आर और माइनस एम आर होगा जो कि ए टू में कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पॉइंट पर होगा देखें याद रखें कि ओवर इन भौतिक रूप से समान बिंदु हैं। दोनों भागों के लिए इक्विलिब्रियम के समीकरण इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं फर्ट वन इस एफ एन 1.2 MNI plus MR equal to zero।

1.4 MN equal Nni plus MN Nni equal to 0 Iske svirup, hum paate hai ki EQS 1.3 इन दोनों में से कोई भी आंतरिक बलों का परिणाम जिसे स्ट्रेस रिजल्टेंट भी कहा जाता है को किसी भी सेक्शन पर निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है बाहरी बलों का पता हो ये भी स्पष्ट है कि हमें स्ट्रेस रिजल्टेंट के मूल्यांकन के लिए बॉडी के केवल एक हिस्से के एफ को ही विचार करना आवश्यक है परिणाम और MR को सामान्यतः उनके कंपोनेंट्स के रूप में व्यक्त किया जाता है जो कि एक कार्टीजियन कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रणाली के संबंध में होते हैं इस लेक्चर में हम ज्यादातर प्रिजमेटिक बार से संबंधित होंगे फिग्ज 1.7 में हमने एफ और एम के कंपोनेंट्स को एक्स वाई जेड के एक सेट के संबंध में एक नोटेशन का उपयोग कंपोनेंट्स को निर्दिष्ट करने के लिए किया गया है पहला सब्सक्रिप्ट सेक्शन को निर्दिष्ट करता है और दूसरा सब्सक्रिप्ट कंपोनेंट की दिशा को इंगित करता है इस प्रकार एफ एक्स एक्स सेक्शन पर एक्स डायरेक्शन में एफ आर का कंपोनेंट है

किसी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र पर काम करने वाला कोई भी कॉम्पोनेंट पॉजिटिव माना जाएगा यदि क्षेत्र का आउटर नॉर्मल किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की पॉजिटिव दिशा में हो और कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव दिशा में हो यदि एरिया वेक्टर और कॉम्पोनेंट दोनों नेगेटिव दिशा में हो तो कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव होगा यदि एरिया वेक्टर और कंपोनेंट एक साथ पॉजिटिव या नेगेटिव कोऑर्डिनेट दिशा में निर्देशित दिशा में निर्देशित नहीं होते हैं तो कंपोनेंट नेगेटिव होता है फिग 1.7 में दिखाए गए कॉम्पोनेट कनेक्शन करने पर यह देखा जा सके वे सभी पॉजिटिव हैं। एक सेक्शन पर प्रत्येक कॉम्पोनेंट बाहरी बलों के सेक्शन के पार ट्रांसमिशन के एक अलग तरीके को दर्शाता है और इसलिए इसे एक विशेष नाम दिया गया है जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है आई एफ एक्स कॉम्पोनेंट जो सेक्शन के नॉर्मल होता है उसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है यह टेंसाइल होता है यदि यह सेक्शन से दूर कार्य करता है और कंप्रेसिव होता है यदि यह सेक्शन की ओर कार्य करता है टेंसाइल फोर्स बार को लंबा करने की प्रवृत्ति रखता है जबकि कंप्रेसिव फोर्स बार को छोटा करने की प्रवृत्ति रखता है यदि केवल नॉर्मल फोर्स बार की लंबाई के साथ क्रॉस सेक्शन पर होता है तो बार को प्योर टेंशन या कंप्रेशन में कहा जाता है जो नॉर्मल फोर्स की दिशा पर निर्भर करता है एफ एक्स एक्स वाई और जेड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं इनकी प्रवृत्ति बार के एक हिस्से को सेक्शन के दूसरी तरफ खिसकाने या शेयर करने की होती है इसलिए इन्हें शेयरिंग फोर्सेस कहा जाता है दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर किसी दिए गए सेक्शन पर परिणामी शेयरिंग फोर्स प्राप्त किया जा सकता है मोमेंट कंपोनेंट वह मोमेंट है जो सेक्शन के नॉर्मल एक्सिस के चारों ओर होता है और यह बार को ट्विस्ट करने की प्रवृत्ति रखता है इसे ट्विस्टिंग मोमेंट कहा जाता है यदि क्रॉस सेक्शंस पर केवल यह मोमेंट होता है तो बार को प्योर टॉर्शन में कहा जाता है आईवी मोमेंट कंपोनेट एमएक्स वाई और सेक्शन के ट्रांसवर्स एक्सिस वाई और जेड के चारों ओर होते हैं और वे बार को इन एक्सिस के चारों ओर मोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं इसलिए इन बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है यदि लोडिंग ऐसी होती है है कि क्रॉस सेक्शन पर केवल बेंडिंग मोमेंट होता है, तो बेंडिंग को प्योर कहा जाता है और यदि इसके साथ शेयर फोर्सेस भी होते हैं तो बेंडिंग को ट्रांसवर्स कहा जाता है इस प्रकार हमने देखा कि लोड ट्रांसमिशन के चार मौलिक तरीके हैं ए टेंशन या कंप्रेशन बी शियर सीजन और डी ट्रांसमिशन इन मौलिक तरीकों के संयोजन के द्वारा भी हो सकता है मेथड ऑफ सेक्शन के महत्व को देखते हुए हम नीचे इंटरनल फोर्स फैक्टर्स निर्धारित करने की विधि को समराइज करते हैं स्टेप्स इस प्रकार है ए बार को एक हाइपोथेटिकल प्लेन से काटना बी बार के एक हिस्से को हटाना सेक्शन के बाई या दाई और सी सेक्शन के सेंट्रॉइड पर फोर्स और मोमेंट के कंपोनेंट्स को लागू करना ताकि बचे हुए हिस्से पर बाहरी बलों को संतुलित किया जा सके और डी अंत सी में दिए गए सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम के समीकरणों से फोर्स और मोमेंट के कंपोनेंट्स को निर्धारित करना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर इफ यू हैनी क्वेश्चन सेक्शन बिलो